हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में आपके कुछ प्रॉब्लम हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8C क्लास 7, और ये नेहा कुमारी ने पूछा। चलिए करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल 1/3b, वी इज इक्वल 1/2c, देन A is to B is to C is equal question mark। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि A is to B is to C की वैल्यू क्या होगी। चलिए करते हैं। ओके, तो नेहा जी आप ध्यान से समझिए। नेहा कुमारी जी, ये आपका क्वेश्चन था। A is equal 1/3b और V is equal 1/2c। तो A is to B is to C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं? देखो, या तो A की वैल्यू B के टर्म में है, यहां से हम C की वैल्यू B के टर्म में निकालते हैं, और B भी है, तो आंसर निकला है। कैसे? देखिए सॉल्यूशन इसका, हमें ये पता चल गया A इज इक्वल है 1/3b। ओके, अब इससे क्या है, हाफ सी, यानी कि 1/2c इक्वल टू की वैल्यू क्या है, b। तो इससे c की वैल्यू क्या हुई, 2 का मल्टीपल कर दें 2b, और b तो b है ही, b को कोई चेंज मत करो। तो क्या हो गया, A इज टू b इज टू c क्या होगा, a की वैल्यू पुट करो, a इक्वल टू किसके है, 1/3b के, इस टू बी, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी को बी है रहने दो, हम बी में टर्म कर रहे हैं ना, और सी की वैल्यू किसके बराबर है, इन प्लेस ऑफ सी वी कैन रिटेन 2b। हमें मालूम है रेशियो में इक्वल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां बी 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 है, तो ईच टर्म में बी से डिवाइड कर दो, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3, बी से बी कैंसिल 1, और बी से बी कैंसिल 2, अपॉन में क्या 3, तो इसमें इस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, इस टर्म में 3 से मल्टीपिल, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बस ये आंसर आ गया 1:3:2, ये 3 होगा, 6 क्यों लिख दिया मैंने, 1:3:6। तो नेहा कुमारी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसका आंसर आ गया 3:1:3:6, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। ये मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज थी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहां हमें दे रखा था ए इज इक्वल 1/3b एंड वी इज इक्वल 1/2c, और हमें ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कन्वर्ट करनी है। तो हमने देखा ए की वैल्यू बी के टर्म में दे रखी है, और बी और सी में रिलेशन देखा, इससे हम सी की वैल्यू को बी के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो हमने वही करा, ए को 1/3b दे रखा है, और यहां 1/2c इक्वल टू बी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इससे मान पड़ गया सी को बी के टर्म में लिख लिया, सी की वैल्यू बी के टर्म में क्या है, ट्वाइस बी, और बी भी है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या हुआ, ए की वैल्यू हमने बी के टर्म में लिखी जो है 1/3b, तो ए के प्लेस पर 1/3b, इज टू बी बी है ही, और सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b। अब क्या हुआ, बी 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 है, तीनों टर्म में बी आ रहा है, तो बी से हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। जब बी से डिवाइड करेंगे हर टर्म में, तो बी से बी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो गया, 1/3, 1, 2, अपॉन में क्या 3, 3 से इस टर्म में मल्टीपल कर दो, 1/3 × 3 इज टू, 1 में भी करा 1 × 3 इज टू 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बचा, 3 बन जा 3 होते हैं ना, ये 3 है, और 2 × 3 = 6, इट इज द आंसर। ओके, तो ये नेहा कुमारी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11C, जो कि क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ का है, जो पेज नंबर 154 पर गिवन है, और ये पूछा है ऑल फॉर यू नाम से कोई आईडी है, उन्होंने पूछा है। चलिए ऑल फॉर यू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,800, ये प्रिंसिपल हो गया, फॉर 1 ईयर टाइम हो गया, एट 7 and 1/2 पर एनम, इतने परसेंट पर एनम। अब क्या है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या इंटरेस्ट कंपाउंड हो रही है सेमी एनुअली के। चलिए करते हैं। अब इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज गिवन 12,800 एंड टाइम दे रखा हमें 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 7 and 1/2% पर एनम, ये कितना हो गया 14 + 1 = 15/2% पर एनम, पी लिख देते शॉर्ट में। ओके, अब लेकिन यहां ये रखा है जो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली
तो इसके लिए अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर इंटरेस्ट पर एनम दे रखी हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पी वन माइनस, माइनस को लगा दिया, वन प्लस आर बाई टू इन टू हंड्रेड या आर अपॉन 200 ले सकते हो, और पावर 2n, या तो आप यही कन्वर्ट कर दो, n इक्वल टू वन ईयर इक्वल टू टू हाफ ईयरली, और रेट पर एनम है तो हाफ ईयरली क्या होगी, हाफ हो जाएगी, इसलिए लगा दिया, वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 12,800 रुपीज, वन प्लस आर, ये 15 अपॉन 2, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और ये 2 फॉर्मूले का, ये तो आर की वैल्यू 15 अपॉन 2, और ये 2 इंटू 100 फॉर्मूले आ रहा है, तो 2 इंटू 100 लिख दो डायरेक्ट, इंटू 200 पावर 2 इंटू एन, एन वन ईयर है, क्लियर ना। तो ये हो गया 12,800, ये कितना जाएगा, 2 इंटू 1200 क्यों बोल रहा हूं, 200, ओके 2 इंटू 200, चलो मैं थोड़ा सा कैंसिल कर दूं, 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 5 4 जा 0, तो ये हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 42 जा 80 इसकी पावर 2, तो ये आ गया 12,800 80 एलसीएम, 80 प्लस 3 होल पावर 2, ओके तो ये क्या हो गया 83 अपॉन 80 का होल स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया 83 अपॉन 80 का होल स्क्वायर, तो अमाउंट हो गया 12,800 इंटू 83 इंटू 83 अपॉन 80 इंटू 80, ओके ऑल फॉर यू नाम के जो भी आइडिया आप चेक करिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, और देखो 2 1 जा 2 से 16 बार, और 8 1 जा 8 2 जा, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 83 इंटू 83, 83 का स्क्वायर पता है, 83 का स्क्वायर था 6889, आप मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 6889, 2 से मल्टीपल कर दे तो ये अमाउंट निकल आएगा, 2 9 जा 18 कैरी 1, 28 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 28 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 26 जा 12 और 1 13, तो अमाउंट कितना आ गया 13,778, एक बार चेक कर लेते हैं बस, और जब अमाउंट निकला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड कर ही सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, ए माइनस बी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 13,778 माइनस 12,800, तो ये आ गया, 8 में से 0 सेपरेट करेंगे 8 आएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो लिया, 17 में से 8 गया तो 9, और बस इतने हो गए, तो 978 रुपीज क्या हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो गया 13,778 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई 978 रुपीज, तो ऑल फॉर यू नाम से जिसकी भी आईडी थी, मुझे उम्मीद है आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 11th ए क्लास 7th आरएस अपार्ट में, जो कि पेज नंबर 157 पर गिवन है, और इसको पूछा है इफ्त नाज ने, ओके जी आपकी प्रॉब्लम है देखिए, इन द क्वेश्चन 14 इज अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, कोई ट्राइसाइकिल 15% गेन पर बेची जा रही है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 108 मोर, अगर वो जितने भी बेची जा रही थी उससे 108 रुपी और अधिक में बेचती तो द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, तो प्रॉफिट 15% की वजह क्या होता 20%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, चलिए करते हैं, ओके इफत जी देखिए, इफतनाथ जी हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस मान ले रहे हैं, पहले लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल इज इक्वल रुपी 100, अब क्या करा है, अ ट्राइसाइकिल एट अ गेन ऑफ 15% सोल्ड, तो एट 15% गेन सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल होगा 100 है, 100 का 15% क्या होगा 15 ही होता है, 100 मानने का ही फायदा होता है हमें, तो ये आ गया 115 रुपीज, है ना, अब बीच वाली शब्द को आप भूल जाइए, लैंग्वेज ये कह रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर 108 रुपीज मोर, अगर वो 108 रुपए अधिक पर बेची जाती तो उसको भूल जाओ, तो अब आगे पढ़ो, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%,
तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% पर आप वो निकाल लो सेलिंग प्राइस एट 20% गेन। अगर 20% गेन पर हम सेलिंग प्राइस देखें ट्राइस्किल का, तो क्या होगा 100 रुपीज में खरीद रहा है, 100 का 20% क्या होगा 20, तो कितना आ गया 120 रुपीज आ गया। ठीक है, पहले 115 बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 120 रुपीज में, तो कितने अधिक मोर पर है 5 रुपीज मोर। कैसे निकाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ, डिफरेंस को शॉर्ट में इतनी लिख सकते हैं बस, डिफरेंस बिटवीन को ये बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120 माइनस 115 क्यों 5 वो ओनली 5 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि अब यूनिटिंग मेथड जब 5 रुपीज अधिक पर बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस है 100 और जो कह रहा है उस पर निकलाएगा। तो क्या कह रहा था देखो क्वेश्चन में, इफ ही हैड सोल्ड इट had it been sold for 108 more, तो लिखोगे कौन है, कोई नहीं है, और प्राइस के लिए सोल्ड तो लिख दो बस, if रुपी 5 more, नहीं ये तो लैंग्वेज सही नहीं वाली, ऐसे लिखते हैं, if प्राइस के लिए था प्राइस लिखते हैं, if प्राइस के लिए सोल्ड रुपी 5 more, अगर प्राइस स्केल 5 रुपीज मोर में बेची जाती, 5 रुपए अधिक में बेची थी, देन सीपी ऑफ प्राइस स्केल, तब प्राइस स्केल का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानी थी, इफ इतना समझ में आ रहा है ना 100 रुपीज, तो ये क्या है भाई आई क्यों लिख दिया इफ, तो इफ अब यूनिटरी मेथड लगा दूं सीधा, साइकिल सोल्ड 1 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस विल बी 100 अपॉन 5 ओके। और लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 क्वेश्चन नंबर था 14 108 रुपीज मोर में बेची जा रही है, तो इफ ट्राइस्किल सोल्ड 108 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस विल बी 100 इंटू 108 अपॉन 55 से 20 टाइम्स कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा इसका, बस जीरो तो लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2160 108 टू 216, तो ट्राइस्किल की कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल आई वो कितनी आ गई 2160 ओके। निफतनाज मुझे उम्मीद है आपको ये आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 7B क्लास 7 आरएस अग्रवाल मैथ जो कि पेज नंबर 115 पर गिवन है, और इसको पूछा है इनके आईडी पर अननोन लिखा हुआ है, अननोन नाम से जिसकी भी आईडी है वो आप देखें। चलिए करते हैं सवाल को, क्वेश्चन है डिवाइड 184 इनटू टू पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट मे एक्सीड 1/7 ऑफ अदर पार्ट बाय 8, जो पहला पार्ट है उसका 1/3 दूसरे पार्ट से 1/7 से 8 अधिक है। चलिए करते हैं, तो क्या करें इसमें, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था, नहीं मैं थोड़ा बीच में बैक हो गया, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, भूल गया क्वेश्चन पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा है ना। क्वेश्चन ये था डिवाइड 184 इनटू टू पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ अदर पार्ट बाई 8, तो हम मान लेंगे फर्स्ट पार्ट है एक्स, तो लेट वन पार्ट इज इक्वल एक्स, तो अदर पार्ट क्या होगा, हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 184 को, तो अदर पार्ट क्या होगा 184 में से एक्स सबट्रैक्ट कर दो, मान लो 50 रुपीज को हमें डिवाइड करना है, मान लो एक को मैंने अगर 20 रुपीज दे दिए तो दूसरे को कितने मिले 50 में से 20 सबट्रैक्ट करें 30, पहला पार्ट अगर 20 है दूसरे का पार्ट कितना होगा 30, तो पहला एक्स है तो दूसरे कितना होगा 180 माइनस 4। अब सीधे क्वेश्चन के अनुसार चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट, वन पार्ट है उसका 1/3 किसके इक्वल है 1/7 ऑफ सेकंड पार्ट, और इससे भी कितना 8 मोर, यानी कि प्लस 8 कर दें तो किसके इक्वल जाएगा 1/3, ठीक है ना, बस अब तो सवाल हो ही जाना है ये 1/3x इज इक्वल 1/7 का अंदर मल्टीपल कर दिया 1/7 इंटू 184 माइनस 1/7x प्लस 8, तो
वेरिएबल्स को एक साइड ले आऊं, एक्स को मैं लेफ्ट साइड में ले आया, 1/3x माइनस 1/7x इज इक्वल, ये कितना हो गया, 7 नहीं कटेगा, 184/7 और प्लस 8, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21, 3 का डिवाइड 21 में 7 टाइम्स किया ना, 3 7 21 और 7 बन जाए 7, तो ये हो गया 7x, बीच में क्या माइनस, 7 का डिवाइड 21 में करें ये माइनस का तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 1/7 है इधर आएगा तो प्लस, 7 का डिवाइड 21 में करा तो 7 3 जा और 3 का 1 में करेंगे तो 3x हो गया ये। इसी तरह 8 का मतलब 8/1 है, 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा, 7 का डिवाइड 7 1 टाइम्स 1 इंटू 184 ये होगा, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स और 7 8 जा 56, तो कितना हो गया, इसको मैं यहीं सामने कर देता हूं, 7x प्लस 10x अभी तो थोड़ा हो जाएगा यहाँ, 7 प्लस 3 10x हो गया, 10x अपॉन 21 इज इक्वल, ये कितना हुआ, 4 प्लस 6 10 कैरी 1, 8 1 9 अप 5 14 कैरी 1, 240 अपॉन 7, तो x की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे है ना, तो मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल 240 अपॉन 7, ये है देखो ये 21 तो जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, तो इनटू 21 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो x इज इक्वल 72, 24 3 जा 72, क्या पूछा था इसमें, डिवाइड टू पार्ट्स, सच दोनों पार्ट्स निकालने, तो फर्स्ट पार्ट तो योग x मान लिया, तो अदर पार्ट्स क्या, 184 माइनस x पुट कर दें बस, तो आ जाएगा, तो वन पार्ट या फर्स्ट पार्ट कुछ भी ले सकते हो आप, 72 एंड अदर पार्ट विल बी 184 माइनस 72, 4 में से 2 सेपरेट करा 2 और 18 में से 7 जाएंगे तो सॉरी 8 में से 7 गया 1, 112, तो इट इज द आंसर, फर्स्ट पार्ट इज 72 एंड अदर पार्ट इज 112, तो अननोन नाम से जिसकी भी आइडेंटिटी थी उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, तीन क्वेश्चन पूछे हैं और सविता यादव जी ने, ओके सविता जी देखिए आपने प्रॉब्लम, आपका जो भी नाम हो कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना है ना, ये तो आपकी किसी मम्मी पापा के नाम के आईडी से देखते हैं अच्छे तो हमें मालूम हो नाम तो अच्छा रहता है आप लोगों का ना, तो ठीक है ओके सविता जी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4B क्लास 7 RS ऑफ कॉल मैथ का जो कि पेज नंबर 67 पर, 8 9 10 तीनों एक से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 5 रेशन नंबर बिटवीन -3 एंड -2, देखो -3 एंड -2 का मतलब यही है अपॉन में 1 सबके नीचे होते ही, हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, तो क्या करते हैं पहले रेशन नंबर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल करना है, किससे करना है, हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं 5, 5 से बड़ी संख्या वो आपकी चॉइस है, चाहे आप 6 से कर लें, 7 से कर लें, 8 से कर लें, 9 से, 10 से, किसी से भी कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है, मैंने सपोज करो 6 से ही कर दिया, 5 से 6 होता है 6 ही कर दिया, तो ये हो गया -18/6, ओके क्लियर, अब सेम इसको चेंज कर लो, -2/1 वहां हमने 6 से मल्टीपल करा तो इसमें भी 6 से कर दिया, ये आ गया -12/6, ओके, अब न्यूमिनेटर -18 और ये -12 इनके बीच के जो भी नंबर हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, पता जानती भी होगी है ना, -18 -12 से छोटा है, नेगेटिव में उल्टा होता है पता ही आपको, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा -17/6, तो -18 से -12 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सब इस बीच के रेशन नंबर होंगे, हो सकता है आपका आंसर ना मिले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, रेशन नंबर निकालने के कई तरीके होते हैं और दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशन नंबर होता है, उनमें से हम सिर्फ 5 लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट में से 5 नंबर कोई जरूरी नहीं है कि मिल जाए आंसर, हाँ जो वैल्यू होगी वो -3 और -2 के बीच में होगी, तो फाइंड मैंने लिख दिया, फाइंडिंग फर्स्ट लिखना था हमें, फर्स्ट FIRST जानते स्पेलिंग, फर्स्ट रेशन नंबर, क्या होगा -18 के जस्ट बात क्या आता है यानी कि इससे बड़ा, प्लस वन करेंगे तो -17/6, ये फर्स्ट हो गया, 5 फाइंड करने हैं, सेकंड डेस्ट कर दूं है ना, सेकंड रेशन नंबर -17 से
जस्ट पड़ा नंबर माइनस 16 अपॉन 6। अगर ये कैंसिल हो रहे क्योंकि को प्राइम होते हैं पता है इसके, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी चाहिए, तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, माइनस 2 से 8 पर कैंसिल, 2 से 3 बार कैंसिल, तो 8 सेकंड रेशन नंबर हो गया। थर्ड रेशन नंबर क्या होगा, माइनस 15 अपॉन 6, ये भी हो रहा है 3 से, 3 5 जा और 3 2 जा, 5 पूछे हैं। फोर्थ रेशन नंबर माइनस 14 अपॉन 6, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 7 जा, 2 3 जा, और फिफ्थ लास्ट जो पूछा है, पांच ही पूछे हैं, फिफ्थ रेशन नंबर बिटवीन माइनस, इससे बड़ा क्या होगा, माइनस 13 अपॉन 6, ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा, को प्राइम है ऑलरेडी। तो दीज आर द रेशन नंबर, फाइव रेशन नंबर बिटवीन माइनस 3 एंड माइनस 2। ओके क्लियर, इसको एक और तरीके से समझिए, और माइनस 3 एंड माइनस 2, तो देखो फर्स्ट रेशन नंबर क्या होगा, माइनस 3 से बड़ा क्या होता है, माइनस 2.9, ये फर्स्ट रेशन नंबर हो गया, माइनस 2.8, माइनस 2.7, माइनस 2.64 हो गए, माइनस 2.55 हो गए। अब कहोगे ये रेशन नंबर कहाँ है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरो ला देंगे, माइनस 28 अपॉन 10, माइनस 27 अपॉन 10, माइनस 26 अपॉन 10 एंड माइनस 25 अपॉन 10। अब इनमें से अगर कोई कैंसिल हो रहे हो उसको कैंसिल कर दो, ये तो सेम रहेगा, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो सेकंड रेशन नंबर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा, 2 3 जा, और ये भी हो गया, 5 5 जा, 5 2 जा। दीज आर द आंसर। अब देखो ये बिल्कुल अलग आंसर है, ये बिल्कुल अलग आंसर है ना, तो आंसर नहीं मिलते तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ जो नंबर आ रहा है वो उन दो नंबर के बीच में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब तो शायद आप 9 10 अपने आप कर लेंगे, फिर भी मैं कर देता हूं, फाइंड फाइव रेशन नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 1। ओके तो आपको समझ में आ गया, माइनस 1 को हम क्या लिखें, 5 करना है, तो मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया अपॉन, इसका मतलब ये होती है अपॉन 1, तो ये हो गया माइनस 6 अपॉन 6, और 1 का मतलब 1 अपॉन 1, और इसमें भी मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया 6 अपॉन 6, तो माइनस 6 से बड़ा माइनस 5, इसमें प्लस भी लिख सकते हैं, 6 से छोटे और माइनस 6 से बड़ा 1 2 3 4 5, ये आपकी चॉइस है, चाहे पॉजिटिव लोगे चाहे नेगेटिव नंबर लो, कोई सी भी ले सकते हो आप। तो फर्स्ट रेशन नंबर माइनस 6 से बड़ा माइनस 5, तो माइनस 5 अपॉन 6, क्या करो ऑल और डिलो तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड रेशन नंबर मैं डैश डैश करके लिख दू है ना, माइनस 7 अपॉन 6, अगर इवन लेंगे तो कैंसिल करना पड़ेगा, एक काम पड़ जाएगा, तो हम ले ही नहीं रहे इसे, ठीक है। थर्ड रेशन नंबर कुछ गलत कर दिया, हाँ कुछ गलत कर दिया, बताओ क्या गलती कर दी, 7 क्यों लिख दिया, माइनस 5 से तो माइनस 4 होता है, 4 हमें लेना नहीं है, 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो 1 ले लो, माइनस 1 अपॉन 6, अगर आप 3 लोगे तो 3 से कैंसिल कर दोगे, आप सोचो क्या कर रहा हूं मैंने, देखो इससे बड़ा क्या होगा, मैंने 7 लिख दिया ना, 7 गलत होता है, माइनस 5 से बड़ा क्या होगा, माइनस 4, 4 अपॉन 6 लोगे तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 जा, 2 3 जा, ये आंसर। मैंने कैंसिल ना करना पड़ा इसलिए ऐसे नंबर ले लिए, माइनस 1 अपॉन 6। ओके और 0 भी रेशन नंबर होता है, 0 देखो माइनस 1 और 1 के बीच में तो पड़ता है, तो आप ले सकते हो, थर्ड रेशन नंबर इज 0। फोर्थ रेशन नंबर इज 1 अपॉन 6, और फिफ्थ रेशन नंबर यहां लिख देता हूं, फिफ्थ रेशन नंबर इज 2 अपॉन 6 को तो काटना पड़ेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं केवल 5 अपॉन 6, जिससे कि कैंसिल ना करना पड़े, एक काम बच गया, तो ये आंसर आ गया 1 2 3 4 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन 10, तो सविता कुमारी जी ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 है फाइव रेशन नंबर बिटवीन माइनस 3 अपॉन 5 एंड माइनस 1/2, इन दो के बीच में फाइंड करना है, तो क्या करें, देखो 5 और 2 का एलसीएम ले लें, 5 और 2 का एलसीएम को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। अब कितने फाइंड करने हैं, 5,
तो 5 से बड़ी एक नंबर का इसमें मल्टीपल कर दो 60, यानी कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 का डिवाइड आप 60 में करो, कितने टाइम्स गया, 12 5 जा 60, 12 आया, तो 12 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 12 का ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया, माइनस ये आ गया 3 इंटू 12 36, 12 3 36 और 12 5 जा 60, यानी कि माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल है 36 अपॉन 60 के। सिमिलरली नाउ वी विल कन्वर्ट माइनस 1 बाई 2 इंटू लाइक फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 60, सॉरी। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें 60 में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 1 में यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे, अब 2 का डिवाइड आप 60 में दीजिए, 2 3 जा 0 यानी कि 30 आ गया, तो 30 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 30 से ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ गया, माइनस 30 अपॉन 60। माइनस 36 से बड़ा क्या होगा, माइनस 35, तो फर्स्ट रेशन नंबर यही आ गया। फर्स्ट रेशनल नंबर माइनस 35 अपॉन 60, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा और ये 12 है। अब सेकंड निकालने, सेकंड रेशन नंबर माइनस 35 से बड़ा माइनस 34 अपॉन 60, ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 7 जा और ये 30 टाइम्स सेकंड रेशन नंबर हो गया। ओके, समझ में तो आ रहा है ना, क्या नाम था, सविता यादव जी, ओके सविता जी समझ में आ रहा होगा ना, जो भी आपका नाम है, आईडी आपका सविता नाम से ही है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। थर्ड रेशन नंबर माइनस 34 से बड़ा माइनस 33 अपॉन 60, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 बन जा 3 बन जा, माइनस 11 अपॉन 20। फोर्थ रेशनल नंबर इससे बड़ा क्या होगा, माइनस 32 अपॉन 60, ये भी 4 से बल्कि कैंसिल जाएगा, 4 8 जा और 15 4 जा 60। और लास्ट फिफ्थ रेशन नंबर, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा रेशन नंबर की, रेशन नंबर बच्चों को प्रॉब्लम, एक बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा उसमें कितने भी निकाल सकते हो ना। फिफ्थ रेशन नंबर माइनस 32 से बड़ा माइनस 32 से बड़ा माइनस 31 अपॉन 60, ये तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहे तो माइनस 31 अपॉन 60, बस इतना ही बहुत है। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, हमने साफ साफ लिख दिया, फर्स्ट रेशन नंबर दिस, सेकंड रेशन नंबर दिस, थर्ड रेशन नंबर, फोर्थ रेशन नंबर और फिफ्थ रेशन नंबर। तो आज के वीडियो में इतनी ही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम थी, मुझे उम्मीद है जिनकी भी जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।